तो सोशल मीडिया पे मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे ठीक-ठाक फॉलोअर्स हाँ हैं तो हाँ कितना अभी पैसा बन रहा है अभी मान के चलिए कि टोटल जो एक साल में बनता है वो 17 से 23 जो पूर्वांचल 17 से 23 क्या पूरा डिटेल में बताइए 17 <laughs> से 23 नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में दोस्तों आज मेरे साथ जो शख्स हैं वो है पूर्वांचल फार्म के फाउंडर देवेंद्र पटेल जी जी स्वागत है हमारे चैनल पर अरे थैंक यू सर तो एक किसान का बेटा दूसरे किसान के बेटे का इंटरव्यू करते हुए <laughs> तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग इस तरीके से है कि लोग किसान को समझते हैं सिर्फ गरीबी गरीबी से जो, अगर किसान हम बोले तो आपके दिमाग में जो इमेज आता है ना सिर्फ ऐसे आता है कि गरीब सा कोई होगा फटा चीटा बनियान होगा पहनने को कपड़े नहीं होंगे और मतलब जैसे आपके दिमाग में जो आप इमेजिन कर रहे हो आप सोच लो कि हाँ वही आपके दिमाग में वो इमेज बना हुआ है और ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं कि किसान का इमेज ऐसे ही होता है लेकिन हम आपको आज मिलवाएंगे नए भारत के किसान से जो अपना खेती किसानी तो करते ही हैं और साथ ही साथ डिजिटली कंटेंट भी बनाते हैं लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं लाखों फॉलोअर्स हैं इनके और साथ ही साथ वहाँ से पैसे भी कमाते हैं और खेती से भी पैसे कमाते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन भी पैसे कमाते हैं तो ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं हम जानेंगे इस वीडियो में फिलहाल आइए हम थोड़ा सा इनके फार्म का भ्रमण करेंगे हाँ, तो, तो कुछ है नहीं बिल्कुल नहीं अब है वो जो है फुलवारी वगैरह पता ही दिखाते हाँ, हैं हम लोग हाँ, हाँ। तो थोड़ा बढ़िया हम लोकेशन ढूंढ रहे हैं गाइस कि देखें यहाँ पे वीडियो कैसा आएगा और अच्छा आना चाहिए वैसे चलते हैं फूलों के बीच में और आज का वीडियो देखने में मज़ा भी आएगा ठीक है तो हाँ। ऐसे सही है क्या बढ़िया बंद हल्ला तो देवेंद्री सबसे पहले तो आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको मिलवा रहा हूँ नए भारत के किसान से नए भारत के किसान कैसे देखो मतलब अपने एग्रीकल्चर जो खेती है उससे तो पैसा कमा ही रहे हैं और साथ ही साथ कॉन्टेंट से भी पैसे कमा रहे हैं जो अभी बातचीत में भाई साहब ने बताया कि कुछ सिक्स फिगर में करते हैं कितना करते हैं उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तो सबसे पहले देवेंद्र जी मैं चाहूँगा एक अपना इंट्रोडक्शन अपने जुबानी दीजिए जरा हमारे लोगों को आ, मेरा नाम देवेंद्र पटेल है पहला भैया ने बता ही चुका था और आपको बताते हैं कि मैंने अपनी पढ़ाई भी एग्रीकल्चर में की है यू और पी दोनों एग्रीकल्चर से की है और बी आर कॉलेज देवरिया से ही और इसके थ्रू ही मैं आपको एग्रीकल्चर की पढ़ाई का भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई की फिर जो है कि हम नौकरी करेंगे नहीं थ्रू आउट एग्रीकल्चर ही मुझे ये पता चला कि एग्रीकल्चर पढ़ के नौकरी करने में नहीं है बल्कि हमारे पास जो ज़मीन है अगर हम कुछ उसमें अच्छा कर सकते हैं और उसे जो है कि एंड कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं तो वो हमारी असली कमाई है ठीक है तो हम लोग जो है कि यहाँ तक पहुंचे और सोशल मीडिया के पैसे से ही मैंने पूर्वांचल फार्म्स की स्थापना की दो हजार इक्कीस में ये पूर्वांचल फार्म्स के फाउंडर भी हैं जी जी और बहुत खुशी हुई कि भाई ये भी देवरिया से है मैं भी देवरिया से हूँ <laughs> इनका जो घर आता है कुशीनगर में आता है कुशीनगर जिले में आता है हाँ, हाँ। मेरा घर देवरिया जिले में आता है और भाई ने देवरिया से ही पढ़ाई करी है और मैंने भी देवरिया से ही अपनी बारहवीं की पढ़ाई वहीं से करी है जी आई सी से जी आई सी तो एक चीज मेरे को बताइए लोगों के मन में ऐसा है कि किसान जैसे वर्ड सुनते हैं जो शब्द जब किसान आता है तो लोगों को लगता है कि फटा चीटा बनियान होगा नहीं नहीं। एक पहनने को लुंगी होगा चाहे चड्डी होगा मतलब कि गरीबी गरीबी किसान का मतलब गरीब या फिर आपने बहुत सारे जैसे अगर मीडिया में भी बातें होती है तो गरीब किसान चाहे जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जब हम किसी किसान के बेटे का इंटरव्यू करते हैं तो हम भी लिखते हैं किसान का बेटा किसान का बेटा। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक इमेज है कि किसान मतलब गरीब तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को देखिए ये तो पहली बात अगर किसान को आप गरीबी से जोड़ रहे हैं ये तो गलत बात है क्योंकि भैया खुद जो है कि किसान के बेटे हैं और अभी जो है कि डिफेंडर खड़ी हो जाएगी तो फिर बात में मतलब लेकिन लेकिन भाई हर किसान डिफेंडर नहीं लग सकता पंजाब से ना हो <laughs> अरे ये कौन सी बात हुई आप तो पूर्वांचल से ही हैं हम पूर्वांचल से हैं लेकिन ज्यादातर लोगों के माइंड में ऐसा ही है कि किसान का मतलब गरीब तो आपने कैसे इसको प्रोफेशन बनाया वो बताइए सबसे पहले मैं बेसिक से शुरू करता हूँ कि आ, किसान का मतलब जनरली हमारे दिमाग में यही आता है कि भाई फटा सा पैजामा होगा एक गंदी सी कमीज होगी और सर पे एक गमछा उमछा होगा तो ये जब ही चलता था जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आई थी उसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई उसके बाद लोग खेती करने लगे अच्छे से करने लगे और उससे पैसा अर्न करने लगे मैं दिखने से किसान दिखता हूँ क्या आप बताइए तो लेकिन <laughs> हाँ, <laughs> <लाएवस्टायल क्रियेटर। laughs> तो हाँ, की कटवाई भी करता हूँ धान की रुपाई होती है वो सारा कुछ देखता हूँ सारा मैनेजमेंट मैं ही करता हूँ तो आप देखकर ये नहीं बता सकते कि मैं किसान हूँ हाँ hmm. अगर जो लोगों के मन में ये बैठ गया है इसे बोलते हैं ना कि एक स्टीरियो टाइप वाला कि हाँ किसान है तो ऐसा होगा किसान का बेटा किसी ऐसे थर्ड क्लास स्कूल में पढ़ रहा होगा नहीं ऐसा नहीं है मैं भी किसान हूँ ये भी किसान के बेटे हैं और आप लोग भी किसान के बेटे हैं तो इससे आप जज जेज मरेंगे जैसे मैं बता दूँ मेरे जो पिताजी है ना पार्ट टाइम किसान है अच्छा अच्छा मतलब उनका दूसरा भी बिजनेस है तो लेकिन बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं झूठ नहीं बोलेंगे बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और ये तो चीज़ें बदली लाइक थोड़े टाइम के बाद दो हज़ार उन्नीस में अठारह उन्नीस में जब थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन के बारे में पता चला और फिर कंटेंट बनाने लगा फिर उसमें भी था कि भाई क्या कंटेंट बनाए तो ज्यादा से ज्यादा हम आ, उस आउटकम आ सकता है उस पर फोकस किया गया मैं इनिशियली पता है पाँच पाँच यूट्यूब चैनल रन करता था पाँच गो पाँच गो कैसे मैनेज करते थे जुनून था एकदम लगे पड़े थे पैसा कमाना था लगे थे पाँच <laughs> और ऐसा नहीं है सारे चैनल्स हमारे चले है? मेरे पास अभी करंट में सेवन प्ले बटन है सात है सात है तो एक चीज़ बताइए कि आप कैसे कंटेंट क्रिएशन में आए मतलब खेतीबाड़ी तो ठीक है अब देखिए ज़्यादातर कहा जाता है कि जो इंडिया हमारा सेवेंटी परसेंट सत्तर पचहत्तर परसेंट गाँव का देश है, 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 है। जहाँ एग्रीकल्चर से ही लोगों का प्राथमिक जो प्राइमरी इनकम सोर्स इंकम है है, है, है न तो आपने कैसे खेती करते हुए कॉन्टेंट क्रिएशन में कैसे आए अरे ये तो इतना मज़ेदार है ना कि मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे दो में ठीक है मेरे नाना जी ने पाँच हज़ार रुपए दिए थे कि मोबाइल ख़रीद लेना अच्छा ठीक है उस समय Redmi फाइव लॉन्च हुआ था सबसे सस्ता स्मार्टफोन हाँ, था ठीक है छः हज़ार में वो पाँच हज़ार का मैंने खरीदा दो हज़ार सत्रह में नवंबर या दिसंबर में लॉन्च हुआ था और जनवरी 2018 में 9 जनवरी 2018 को मैंने एग्रील करियर नाम से ये पूरी जगह ऐसे ही डाल दिया मुझे ये नहीं पता था कि ये पैसे वैसे आते हैं मुझे ये था कि बस कैमरे के सामने बोलना मुझे कभी प्रॉब्लम था ही नहीं और वहाँ पे बोलूँगा वहाँ पे और डाल दूँगा फिर जैसे जैसे मैं डालते गया तो फिर एक धर्मेंद्र जी करके हैं माय स्मार्ट सपोर्ट स्मार्ट सपोर्ट ठीक है ठीक है, है उनका वीडियो आता था कि आप यूट्यूब पे डालिए पैसे कम कमे कहा ये वाला पैसा भी होता है क्या चलिए कुछ बीआरडी का फीस भी कम था हमने कहा कि कुछ तो पैसा मिलेगा अब हम उसपे डालते गए ठीक है पढ़ाई, के साथ, पढ़ाई के साथ वो कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ पढ़ाई कभी कमजोर पढ़ाई भी एग्रीकल्चर में ही किया एग्रीकल्चर में ही किया तो मैं उसमें थ्योरी पढ़ता था और प्रैक्टिकल देखता था जो सामंजस्य से बैठता था फिर कंटेंट बनाता था और एक वीडियो था देवरिया से ही वायरल हुआ था कि गन्ने की गन्ने में कीड़े लग जाए तो ये दवाई डाली वो साला वायरल हो गया अब वो वायरल होने के बाद वो चलने लगा आपने बनाया था हमने बनाया था ऐसे जाके सिंपल सा ऐसे मोबाइल ऐसे करके अभी भी है हम आपको दिखाएंगे ठीक है और उसके बाद मैंने बताया किसानों को कि सोलर पंप कैसे लगवाएं वो भी वायरल हो गया फिर धीरे धीरे चीजें उठने लगी तो ऐसे मतलब ये सफर शुरू हुआ तो पहला पैसा कब कमाए आप ऑनलाइन पहला सोर्से? पैसा हमें लग रहा है की दो हजार अठारह में ही छह महीने लगे थे ज्यादा नहीं एक सौ दस के बीच में इतना ही आया था ज्यादा नहीं नहीं सा क्लियर नहीं हुआ दस बीस एक सौ दस बीस के बीच डॉलर डॉलर तो कैसे यूट्यूब के, के थ्रू आया था यूट्यूब के थ्रू ओके पहला पेमेंट यूट्यूब के थ्रू आया था यूट्यूब करता धरता भाई मेरा भी मतलब गूगल एडसेंस के थ्रू आया था तो थोड़ा यूट्यूब का मिक्स था थोड़ा ब्लॉगिंग का मिक्स था हम ब्लॉगिंग से शुरुआत हुई थी मेरी तो भाई चलिए पहला अच्छा पेमेंट आया था अभी अगर आप बताओगे कि आपके मैंने देखा फेसबुक पे भी आपके चार तीन चार लाख फॉलोअर्स चार लाख के करीब हाँ, फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे भी कुछ इसके हाँ, आस पास में है हाँ। हाँ। यूट्यूब पे कितने फॉलोअर्स हो गए यूट्यूब पे दो लाख चालीस हजार के आसपास ही कुछ तो सोशल मीडिया पे मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं तो कितना अभी पैसा बन रहा है अभी मान के चलिए कि टोटल जो एक साल में बनता है वो सत्रह से तेईस जो पूर्वांचल सत्रह से तेईस क्या पूरा डिटेल में बताइए सत्रह से तेईस <laughs> सत्तर से तीस लाख रुपए ओके okay, बहुत बढ़िया मतलब की मोटा मोटी देखे तो डेढ़ से दो लाख रुपए एवरी मंथ हाँ और एवरेज निकालेंगे तो ये एवरेस्ट निकालेंगे तो ओके okay. <laughs> चिल्ला चिल्ला के बता दीजिए तो ऐसा मतलब श्योर नहीं रहता है कि हम हर महीने एक एवरेज इनकम लेके चले नहीं, जैसे क्या है खेती के आपको बताते हैं कि इसमें स्पॉन्सर भी सीजनल होते हैं कंटेंट भी सीजनल चलता है खेती भी सीजनल ही है खेती भी है। है। और प्रोडक्ट भी सीजनल चलता तो सही है की जैसे मान लीजिए अभी धान का सीजन आएगा ठीक है

अच्छा फिगर में बता दीजिए कितना फाइव फिगर सिक्स फिगर कितना सिक्स फिगर में Six. तो इस दिखाएंगे अच्छा, ये, दिखाएंगे? ये ये अच्छा दिखाएंगे, पूछने का मकसद <laughs> इसलिए है कि भाई इनसाइट मिल सके जी जी और जैसे देखो क्या होता है कि जब हम इस तरह की स्टोरीज लेके आते हैं तो लोगों को आइडियाज भी आते हैं कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ बिकॉज मैंने भी भाई मैं अगर ऑनेस्टली बताऊ तो मैं जब पढ़ाई कर रहा था बी में कर रहा था हर एक बेरोजगार की तरह तो जब जब मैं बीटेक कर रहा था तो उस टाइम पे नाम लेना जरूरी है तो उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे लग रहा था ना कि मैं कुछ क्या करूंगा मतलब जॉब जॉब कैसे जौब भी लगेगी कितने की लगेगी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई कैसे करियर कैसे बनेगा तो ऐसे इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे तो भाई तो एक हर्ष अग्रवाल जी हैं जिनका एक ब्लॉग है शॉर्ट मिलाउड तो अपना इनकम रिपोर्ट शेयर करते थे तो चालीस हजार पैंतीस हजार डॉलर महीने का तो हमें लगता था भाई हमको इतना नहीं कमाना हमको तो रुपए कमाने पैंतीस हजार तीस हजार कमा लेंगे बहुत है तो वो सब देख के वहाँ से मतलब आया था फिर हमने वो चीज़ें शुरू करी थी तो एक बीटेक से तो कुछ लेना देना नहीं था वो तो कर लिए थे कैसे भी पढ़ाई करने के लिए लेकिन आपने तो अच्छा किया कि भाई आपने एग्रीकल्चर से भी पढ़ाई करी है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट भी बना रहे हैं अच्छा ऑफलाइन में हम क्या कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑफलाइन में हम लोग जो है कि जो पूर्वांचल का जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है जिसे डी टैग बोलते हैं काला नमक पूर्वांचल के सारे लोग जानते हैं काला नमक का। okay, काला नमक एक एक धान धान का मतलब एक हाँ, धान है, की प्रजाति तो है है ठीक आप लोग गूगल करिएगा पूर्वांचल का काला नमक तो आपको पूरा मिलेगा उसके बारे में हम लोग जो है कि बासमती से भी महंगा होता है बासमती ये स्पेशल राइस की कैटेगरी okay. में आता है इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट हम अंग्रेजों के समय की बात कर रहे हैं ठीक है उन लोगों ने दो कैटेगरी राइस की बनाई थी एक बासमती एक नॉन बासमती अच्छा तो ये नॉन बासमती ना ये स्पेशल कैटेगरी में आता है अच्छा तो हम लोग इसका ए टू जेड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं कि अगर आपको कितनी भी क्वांटिटी में चाहिए काला नमक राइस पूर्वांचल फार्म्स का तो आपके दरवाजे तक पहुंचाया जाता है और एक चीज़ मैंने जो सबसे खास की है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका पार्सल डैमेज होता है आप चावल भी रखो पैसा भी रखो तो, तो कोई झूठ बोल देगा भाई डैमेज नहीं करते हैं लोग क्योंकि इसके कस्टमर जो है ना वो एलिट क्लास के हैं तो वो ऐसे हजार दो हजार के लिए कुछ कहते कहते हैं नहीं, करें नहीं नहीं करें वो नहीं कहते नहीं। हैं। कुछ लोग लाख बढ़िया मतलब आप काला नमक आप उगाते हो उसको आप राइस मिल में ले जाके उसको राइस में कन्वर्ट कराते हो फिर उसको पैकेजिंग करके आप सेल करते हो तो क्या मीडियम होता है मार्केटिंग का कैसे आप

ठीक है हम लोग इसको मार्केट में पुश करते हैं तो अगर एक देखें आप एक किसान होने के नाते आप बताओ कि आपके जो मेजर इनकम सोर्सेज है किसानी करके क्या क्या है देखिए खेती करते हुए सबसे पहला तो ये हो गया अभी ऑफलाइन में काला नमक चल रहा है ब्रांड प्रमोशन हो गया ठीक है जो कंटेंट हाँ कंटेंट हाँ, क्रिएशन के, के थ्रू और कंटेंट तो हो ही गया कंटेंट का तो पैसा मिल ही रहा है प्लस ये है कि हम लोग जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे कई बार होता है कि लोग जैसे कींचू पालन कर रहे हैं ठीक है तो वो कहते हैं कि सर हमारे फार्म पे आ जाइए तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है आप भी किसान हैं तो बस लेकिन हम लोग का आने जाने का देख लीजिए बाकी चीज़ें देख लीजिए हम लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं तो मेन ब्रांड प्रमोशन और ये पूर्वांचल फार्म ये अभी टॉप में है ओके और यूट्यूब एड से आता है कुछ ये आता है लेकिन अभी इसके आगे वो बहुत कम है बहुत कम है ओके बढ़िया तो अगर मोटा मोटी समझे तो भाई ने क्या किया है कि जो खेती बाड़ी करते हैं उसी को कंटेंट बना के डालते हैं और इनके पास अब फॉलोअर्स हो गए हैं तो इनको ब्रांड्स इनको रीच आउट करते हैं तो रातों रात फॉलोअर्स नहीं बने इन, इनके मतलब इसके पीछे इन्होंने काफी मेहनत करी है और मजे की बात है कि इन्होंने पढ़ाई के टाइम ही इस सब चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया था मैं भी यही चीज़ बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट टाइम है कॉलेज टाइम कॉलेज कोई भी चीज शुरू करना है तो कॉलेज से ही अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो एक्सप्लोर करना शुरू कर दो जब तक आप पास आउट हो गए आपके पास दो चार करियर ऑप्शन आपके लिए धरे रहेंगे और फिर आप उसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो और भाई की तरफ पूर्वांचल फार्म जैसा आप बढ़िया स्टार्टअप कर सकते हो अपना ठीक है एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइस कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो मैं आपसे बताना भूल गया मतलब बहुत अच्छी बात कि जो भाई हैं ये नॉमिनेट हुए थे जो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने लाइक क्रिएटर्स अवार्ड वाला नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स वाले में भाई नॉमिनेट भी हुए थे संयोग से किसी और को अवार्ड मिला बट कोई ना नॉमिनेट होना भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं, मैं मेरा भी नॉमिनेशन नहीं हुआ था नहीं। बट कोई ना ये तो आप लोगों का प्यार है नॉमिनेट हो या ना हो आप लोगों का प्यार है ऐसे चलता रहेगा तो बहुत खुशी की बात है कि भाई साहब नरेंद्र मोदी जी इनको अवार्ड देने वाले थे बट देते-देते रह गए बट कोई बात नहीं भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे मजे की बात है ना कि पूरे ऑल इंडिया से क्रेटर्स को रिकॉग्नाइज कर, करा जा रहा था और जगह जगह से लोग आए तो तो <laughs> <laughs> ओके तो अब मेरे को एक चीज बताइए कि हमने इनकम वगैरह के बारे में चीजें पूछ ली चैलेंजेस क्या आते हैं इस तरह के कॉन्टेंट बनाने में कि ज्यादा ऑडियंस नहीं है देखने वाली क्या आपको क्या लगता है कुछ चैलेंजेस शुरुआत में या फिर अभी देखिए सबसे पहले एक चीज़ और है कि लोग कहते हैं कि कंटेंट के लिए आपको बहुत महंगे महंगे गैजेट्स होने चाहिए मैं सोनी का एक हेडफोन का एक हिस्सा काट के उसको माइक्रोफोन की तरह यूज़ किया था पाँच हज़ार का फ़ोन यूज किया था तो गैजेट तो मैटर करता नहीं है प्लस चैलेंजेस की बात है तो चैलेंज एक ही है क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग ठीक है इसके अलावा कुछ नहीं है आप जाइए बाहर आपको आउटडोर कंटेंट्स बनाने हैं वो बनाइए इनडोर कंटेंट्स बनाने हैं वो बनाने और आपको हंड्रेड परसेंट देना है ठीक है अगर ये आप कर ले जाते हैं तो ठीक है नहीं तो चैलेंजेस यही हैं आपके लिए जी और जैसे एक और चीज़ जब आपने बताया कि आपको ब्रांड्स रीच आउट करते हैं तो किस तरह के ब्रांड्स होते हैं क्या कंटेंट बनाना होता है थोड़ा सा वो बताएंगे जैसे मेनली एग्रीकल्चरल ब्रांड्स ही होते हैं क्योंकि कोर जो है कि हमारा कंटेंट एग्रीकल्चर का है। और हाँ। मैं खुद भी फार्मर हूँ अभी जैसे मान लीजिए मैंने किया था इसका कोटिवा एग्री साइंसिस का डू पॉइंट का एक प्रोडक्ट है फंगिसाइड uh, है हुँ. तो उसका जो है कि यूज है धान पे ठीक है अब धान के किसान इतने हैं पूरे पूरा नॉर्थ है धान का किसान अगर मैं उनका प्रमोशन करता हूँ अगर उससे जो है कि दस हज़ार फार्मर्स दस हज़ार तो मैं कम बोल रहा हूँ साउथ में भी होती है तो अगर एक लाख फार्मर्स भी उनको जो है कि खरीदते हैं एक रुपये के मार्जिन पर उनका पैसा निकल जाएगा तो ऐसे ऐसे आते हैं ट्रैक्टर के ब्रांड होते हैं हर्बिसाइड पेस्टिसाइड आपने कोई ऐसा फेमस ब्रांड का नाम बताएंगे जो आपने अभी अभी रिसेंटली में चल रहा है प्लांटिक्स का हाँ। जो की जर्मन कंपनी है स्कैन करने वाला पता स्कैन करके बता बीमारी धान गेहूँ का ऐसे स्कैन कर दीजिए तुरंत तो बता दो फ्री में क्यों प्रमोट कर रहे हैं <laughs> कोई और 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 कौन से ब्रांड के साथ किया आपने कोटिवा एग्रीसाइंसेस हो गया महिंद्रा हो गया एक कारनाट करके थी के साथ भी आपने किया है हाँ के साथ भी किया है और टाटा एग्रिको का मैंने किया था जो कि एग्रीकल्चर सेक्शन में आ, बना था 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 था। हाँ, उन्होंने भेजा था आज के हमें लग रहा है दो साल पहले ही किया था हाँ और ऐसे बहुत है मतलब एग्रीकल्चर कैटेगरी में भी ब्रांड्स हैं आप जिस ब्रांड का नाम रखिए उनके साथ मैंने किया हुआ है छोटा मोटा बड़ा जो भी है मैंने किया हुआ बहुत बढ़िया जी ऐसे यूजुअली हर तरह के लोग देख रहे हैं ज्यादातर तो स्टूडेंट्स देखते आ, हैं हा, हा, हा। आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कंटेंट क्रिएशन में क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए अगर कोई पैसे बनाना चाहता है सोशल मीडिया से तो थोड़ा सा कुछ ज्ञान अपना देंगे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आ, अब तक मैंने जो सीखा है सबसे बड़ी चीज ये है हुँ। कि आप किसी को देख के शुरू मत करिए कि ये कंटेंट बना रहे हैं तो हम भी सेम कंटेंट बनाएं उसमें फिर वो उनकी इमेज आपके अंदर दिखाई देगी कि भाई उनका कॉपी कर रहे हो आपको जो दिखाना है जेनविनली दिखाइए और इम्पल्सिव तरीके से दिखाइए जो चीज़ आप एक मिनट में दिखा रहे हैं उसे कोशिश करिए कि आप तीस सेकेंड में दिखाइए बीस सेकेंड में दिखाइए लोग उसे ही देखना पसंद करते हैं और जेनविन रहिए अगर आप जेनविन नहीं रहेंगे हो सकता है आपको शुरुआती के एक साल में बहुत नेम एंड फेम मिले फिर बाद में आपका जाके

जो अपना ये फार्म वाला जो काम है काला नमक ये सब में पैकेजिंग वगैरह के लिए अपने लोग रखे हैं अभी तो अभी तो नहीं रखे हैं अभी तो जो घर के सारा कुछ खुद से कर घर हैं। के लोग हैं या अच्छा। फिर जो है कि दो लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं जो खेती बाड़ी का काम वो लोग मैनेज करवाते हैं सिरवार बोलते हैं लेबर अच्छा। नहीं बोल सकते हैं सिरवार की उनको एक जमीन भी दिया गया कि आप उस पर करिए और हमारा काम करवाते रहिएगा तो ऐसा है और इससे क्या है कि फैमिली के लोग भी इंगेज रहते हैं और दो चार लोग भी जैसे फटकना वटकना हो गया साफ करना हो गया तो उनको भी कुछ दिन का रोजगार मिल ही जाता है तो ऐसी सारी चीज़ें हैं अब इसको हम लोग एक्सकेलेट कर रहे हैं अब चीज़ें यहाँ से निकल चुकी हैं दो तीन महीने चार महीने में आउट ऑफ स्टॉक अरे बढ़िया मतलब डिमांड एकदम डिमांड इतना है, है मेरे पास सप्लाई नहीं है आपके पास स्टॉक नहीं है स्टॉक नहीं है बढ़िया तो गाइस आज का वीडियो मुझे पता है कि थोड़ा सा अलग था और पहली बार हमने अपने चैनल पर ऐसा कुछ लाया तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आता रहता हूँ और साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड सोशल मीडिया से रिलेटेड हम आपके सामने ऐसे ऐसे इंसाइट्स लेके आते रहते हैं ताकि आपको इंस्पिरेशन भी मिल सके कुछ इंसाइट्स भी मिल सके और फिर आप डिसीजन ले पाओ कि आपको क्या करना है क्या करना चाहिए कहाँ कहाँ पर स्कोप है स्कोप है कि नहीं है भी तो कितनी देर चलेगा तो इस सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है एक ही जगह पर सतीश का ही एक वो है फूलों का यहीं पे हम खड़े बहुत बढ़िया यहाँ पे सुगंध आ रहा है मजा आ गया आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन हो तो भाई से कमेंट में जरूर पूछना वीडियो कैसा लगा जरूर बताना तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो मचाते रहो